ज्योति रानी मेरी मिसेज है, इसको 2015 में डायग्नोस हुआ था किडनी का, किडनी इशू, सीकेडी चल रहा था लास्ट 9 ईयर से, और फाइनली इसकी स्टेज थोड़ी सीवियर हो गई थी जैन से। हम लोग डॉक्टर विकास जैन के फॉलोअप ले रहे थे, उन्होंने हमें 8-9 साल पहले ही बोल दिया था कि यार ये जो है ये फाइनली ट्रांसप्लांट ही हुआ था। अप्रैल को फिर हमने प्लानिंग कर ली कि अब ट्रांसप्लांट करवाना है, और फाइनली हमारे 19 जुलाई को ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है डॉक्टर विकास जैन के हाथों से। बहुत अच्छी टीम है मणिपाल की, लोगों ने पूरा अच्छे से हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, सपोर्ट दिया। हमें पता भी नहीं चला कि ट्रांसप्लांट कब हुआ, और कोई पेन नहीं, और इसको मेरे ख्याल से सेम डे में ही इसको रिकवरी होनी शुरू हुई थी। आज इसका क्रिएटिन 0.85 है, जो हम लोगों ने 15 अगस्त को टेस्ट करवाया। इसका यूरिन प्रोटीन लॉस भी बंद हो गया है, जो कि पहले इसका 3+4+ जा रहा था। तो अब फाइनली हम लोग बहुत खुश हैं, और हम भी रिकमेंड करेंगे कि डॉक्टर विकास जैन से एक बार सलाह परामर्श लिया जाए, ताकि वो कुछ बेटर ट्रीटमेंट के लिए उनको सजेस्ट करें। और अभी ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चल रही है, और इसका वेट भी गेन हुआ है। 52 था डायग्नोस के टाइम, बॉडी लॉस हुआ था, मास, बॉडी मास भी काफ़ी लॉस हो गया था। अभी इसका मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, तो इसका बॉडी मास भी थोड़ा सा बढ़ा है, और वेट भी गेन किया है इसने, 55 है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये अपने नॉर्मल वेट पे आ जाएगी। बाकी जो डाइट सजेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको ले रहे हैं प्रॉपर, और अच्छे से उनका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलोअप ले रहे हैं। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, ज्योति एक यंग फीमेल, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो उसको जब मालूम पड़ा कि उसको किडनी की प्रॉब्लम है, और अब जो अप्रोप्रिएट इलाज उसके लिए बैठता है, 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो लगातार डायलिसिस पे रहे, और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचे। तो यूजुअली डायलिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली यंग एज के अंदर, व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, एंड डायलिसिस हफ्ते में 3 बार आपको हॉस्पिटल में जाके करानी पड़ती है, तो विच मे नॉट बी ए गुड ऑप्शन इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। तो ऐसे लोग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं, और ज्योति ने भी वैसा ही सोचा। तो ट्रांसप्लांट के लिए हमें यूजुअली एक डोनर की जरूरत पड़ती है, जो इंडियन लॉस के हिसाब से घर का ही कोई व्यक्ति होता है। तो हमने जब उसके परिवार वालों से बात की, तो उसके फादर का ब्लड ग्रुप उनसे मैच किया, एंड ही हर फादर वॉज मोर देन विलिंग टू डोनेट वन ऑफ हिज किडनी टू हर डॉटर। और उसके बाद आपने जैसे देखा कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ, हमने डोनर की किडनी लैप्रोस्कोपी से निकाली, और वो ज्योति में फिट की, और दोनों ही पेशेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। डोनर को तो हम लोग 3rd दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, और ज्योति को हमने 7th डे डिस्चार्ज कर दिया, और आज 2 महीना हो गया है, एंड यू कैन सी द स्माइल ऑन देयर फेसेस, बोथ ऑफ देम आर परफेक्टली डूइंग वेल, एंड आई विश देम कि वो जिंदगी भर अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। तो अगर आप भी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद अस एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। थैंक यू, नमस्कार।